दोस्तों क्या आप लोग साइफाई हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं, यानी कि आप इस जॉनरा की मूवी देखना चाहते हैं? तो दोस्तों ऐसी ही एक मूवी आई थी 2015 के अंदर 2015 में, जिसका नाम था हरविजन डाउन। अब दोस्तों ये हरविजन डाउन जो मूवी है इसको मैंने अभी देख के एंड कर लिया, और आज की इस वीडियो में आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि दोस्तों ये मूवी कैसी है, क्या दोस्तों वाकई में ये साइफाई हॉरर थ्रिलर के जॉनरा में ये मूवी फिट होती भी है या नहीं, या इस मूवी के ऊपर आपको अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, क्योंकि मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए रोजाना इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब में आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो दोस्तों अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। दोस्तों मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि हमें दिखाया जाता है शुरू के अंदर कि एक बंदा अपने स्पेस में होता है, ठीक है, वो रशियन बंदा होता है सोवियत यूनियन का, और ये टाइम होता है 1982 का, और वो उसकी स्पेसशिप जो है वो आके गिर रही होती है और वो कहीं आके गिर जाती है। उसके बाद टाइम चेंज हो जाता है और अभी का ज़माना शुरू हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हरविजन डाउन नाम की जो एक शिप होती है ये समुद्र में ट्रेवल कर रही होती है, और वहाँ पर उनको एक मिस्ट्रियस सी चीज़ मिल जाती है, और जब वो इस मिस्ट्रियस सी चीज़ को चेक करते हैं तो भाई फिर हो जाता है उस पूरी जगह में खून खराबा, मतलब मौत का नंगा नाक तांडव शुरू हो जाता है। अब वो क्यों होता है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों इस मूवी का जैसे कि साइफाई हॉरर का जॉनर दिया था, साइफाई हॉरर तो खैर ये नहीं है, लेकिन साइफाई थ्रिलर मूवी है, थ्रिलर अच्छा है, और जिसके अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं वो अच्छी है, मूवी की स्टोरी अच्छी है, मूवी ज़्यादा लंबी नहीं है, मूवी बहुत छोटी सी मूवी है, 1 घंटे 22 मिनट की मूवी है। लेकिन दोस्तों 1 घंटे 22 मिनट के अंदर, क्योंकि 2015 की मूवी है, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो गए, और एंड आने आने तक आपको जो ये मूवी अपने में बांध के रखेगी, और ये मूवी देखते देखते आपको काफ़ी इन्जॉय होगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो इस मूवी का जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है। अगर बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो इसकी IMDb रेटिंग है 4.6 की से भी, यानी कि IMDb के हिसाब से भी ये एवरेज सी मूवी है। और बात करें दोस्तों अगर पर्सनल मेरी, तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 3.5 स्टार। तो दोस्तों ये एक अच्छी एवरेज मूवी है, अगर आपके पास कुछ और अच्छा देखने के लिए नहीं है तो आप इस मूवी के ऊपर ज़रूर अपना कीमती वक्त दे सकते हैं। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना यार, वीडियो को लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी की रिव्यू के साथ।